आवाज कैसा आ रहा है मेरे को बताओ, मतलब मेरे को मालूम नहीं था अभी, और ये मैंने बंद कर दिया भाई साहब कि आवाज़ क्लियर आना चाहिए ना। तो मैं जो कैमरा फेस करने के लिए बाहर निकला था कि कैमरा का कैसा वीडियो आ रहा है, कैसा क्वालिटी आ रहा है नाइट में, और ये 4K स्क्रैच भी थे, इसका स्टेबिलिटी नहीं ऑन है, स्टेबिलिटी ऑफ है। तो एंगल कैसा आ रहा है मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, ठीक ही एंगल होगा, अभी वीडियो देखूंगा, एडिट करने बैठूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि एंगल कैसा आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल है इतना भी, मतलब हेलमेट ठीक मेरा जो है बड़ा है, बाकी कैसा आवाज आ रहा है आवाज़ तो मेरे को मालूम नहीं थोड़ा सा भी। मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, ठीक है। और मेरे को मेरे गाड़ी पे जो है होल्डर भी लगाने का है, वो होल्डर भी बहुत जल्दी लगाने का है, और एयर बहुत आ रहा है मेरे को, एयर का आवाज आ रहा है, एयर बहुत आ रहा है देखते। और इसका एक्सटर्नल माइक जो है ना वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है, बट अभी मैंने कोशिश की है कि मैं एक्सटर्नल माइक का कुछ ना कुछ करूँ, और मैं कहीं ना कहीं से तो मंगाऊँ, बट अभी देखते हैं। वो कार्ड से अगर मेरे को आपको दिखाया था मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में कि कार्ड मेरा जो है अगर उससे आ गया तो ठीक है, तो इसी पे अभी आपको वीडियो मिलेंगे, और 4-5 दिन के बाद वीडियो आपको मिलेगा डेली डेली, तो मतलब 4-5 दिन के बाद आपको जो है वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। थोड़ा सा मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकला था रात के टाइम, और मेरे को रात को ही टाइम मिलता है, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह का वीडियो बनाओ, सुबह का वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल मेरे को रात को टाइम मिला, तो उसमें मैंने रात को बोला कि सुबह रात को उसमें मैं वीडियो बना लिया, तो उसमें जो गाड़ी है मेरे को काम भी कराने का बहुत कुछ अपना नॉर्मली गाड़ी का पावर, एक्चुअली इसमें कुछ पावर की बात ही नहीं कर सकते, तो भी मेरे हिसाब से मतलब मैं चलाता हूँ जैसा मेरे को ठीक लगता है। अगर मैं विंड को बंद कर दूँ तो भी इसका आवाज़ कैसा आता है, मुझे अभी एडिट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बट इसका आवाज़ कैसा आता है मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे काम चल जाएगा मेरा अगर वही अच्छे से आता होगा, अगर वो जैसा नहीं आता अगर अच्छे से आता तो मैं एक्सटर्न में नहीं मंगाऊंगा, मैं से काम चला दूँगा। और हाँ थोड़ा काम करा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि इसमें जो है अभी मेरे को ऑन का भी मेरे को ऑन है वो भी ख़राब हो चुका है, तो पावर सही हो गया, तो और ऊपर से मतलब लाइटिंग में जब LED लगा मैंने अभी दिखता हूँ कि मैं इसे चलाऊँगा लाइटिंग, तो अभी देखेंगे हम लोग अच्छे से उसका लाइट मिला तो लगा लेंगे, और मेरा वायरिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब गाड़ी में बहुत कुछ काम कराना बाकी है, तो बीच में मेरा एक्शन हुआ था इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है काम कर मानता हूँ कि इससे मैं वीडियो बनाने वाला पैशन प्रो से, बट इससे ही वीडियो ठीक है, और होगा तो कड़ा जाएगी आराम से, ये कोई बात नहीं आराम से चला जाएगा, तो ये रोड खराब नहीं है एक्चुअली, बिहार में आप आओगे ना, अगर बिहार में अगर आप रहते हो तो आपको तो मानना है कि रोड भाई कोई भी बाइक हो बहुत, जब आप दोपहर कोई बारिश हुआ और घाम था बट बारिश हो गया, बारिश का कुछ भी हो रहा था सब हो जाएगा, और मेरे को जो है इसके ब्रेक भी करने कराने गए, क्योंकि मेरा ब्रेक भी जो है ना थोड़ा सा और भी मतलब ये लगता नहीं है ब्रेक टाइम पे लगाओ, तो कभी कभी लग जाता है कभी कभी लगता नहीं, आगे का ब्रेक तो ठीक है बट पीछे का ब्रेक जो है वो शायद से मतलब बुरा चला गया,
तो इसको फिट करने का और आएगी बहुत जल्दी, मैं सर्विसिंग वीडियो भी डालूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हर मैं जो भी अपनी गाड़ी का काम कराऊंगा और कितने में कराऊंगा वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वही करने के लिए और ये भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो भी बनाते थोड़ा। रोड में मालूम नहीं पड़ता है कि स्पीड ब्रेकर किधर है, क्योंकि इस रोड पे तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो भी डर लगता है कि कहाँ खड्डा अड्डा आ गया तो भाई अलग ही लग जाएंगे। और सच्ची बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि विरार में रोड मतलब भाई खतरनाक, यही इधर काम चालू है।